सबसे कठिन काम है समाज से सही लोगों को ढूंढ कर निकालना। तो जैसे दही को मथते हैं तो मथते मथते मक्खन निकल आता है, वैसे समाज से सही लोगों को अगर निकालना है तो समाज को मथना पड़ेगा, समाज में जाकर लोगों से मिलना पड़ेगा, उनके बारे में जानना पड़ेगा, उनसे संवाद परिचय करना पड़ेगा। उसी दिशा में आज आपके सामने बैठे हुए हैं। और अभी से लेकर सितंबर तक, अगले 4 महीने तक जितने लोग ऐसे आ रहे हैं मिलने के लिए, 5 मई को मैंने बताया था 17,500-18,000 लोग हैं जो मिलना चाहते हैं, अभी वो संख्या बढ़ के हो गई 70,000। वो हमारी ताकत नहीं है, वो नीचे लोगों की छटपटाहट है जो नया विकल्प ढूंढ रहे हैं। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी, इसलिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए तय किया है कि 2 अक्टूबर से गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से पदयात्रा शुरू करेंगे। हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले, हर पंचायत में पहुंचने के लिए पूरे बिहार में एक बार जाने का प्रयास करेंगे। समाज में जो जहां अच्छा व्यक्ति है, जिसका भी दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत है, जिससे भी जाकर संवाद स्थापित करने की ज़रूरत है, उनसे मिला जाए, उनसे बात किया जाए। एक बार 2 अक्टूबर को चलना शुरू करेंगे तो पूरा बिहार जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक घर वापस नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि 1 महीना चले और 10 दिन ब्रेक ले रहे हैं। 2 अक्टूबर को चलना शुरू करेंगे तो जहाँ शाम हुआ उसी गाँव में रुकेंगे और अगले दिन वहीं से चलना शुरू करेंगे। पूरा बिहार करने में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। 1.5 साल भी लगे तो बिहार के हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर गांव, हर ब्लॉक में पहुंचना है। तो पूरा प्रयास आने वाले 1-1.5 साल में समाज को मथकर अच्छे लोगों को निकालने का है।